हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज हम कवर करने वाले हैं। तो यह है आज हमारी न्यूज गेस्ट। न्यूज आज काफी ज्यादा है और फिर भी कुछ न्यूज है वो रह गई है, तो उनको हम या तो कल की डिस्कशन के साथ इंक्लूड करेंगे या फिर अलग से कोई एक छोटा सा वीडियो आज अपलोड इवनिंग तक कर दिया जाएगा। पहली जो न्यूज है हमारे यहाँ पे वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है वो है क्वाड ग्रुपिंग। इसके बाद में हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि HTPEM एक टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में। इसी के साथ हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेस्ट प्लस 2.0 के बारे में देखेंगे, CSIR के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है उसको कवर करेंगे। और फिर चार हैं यहाँ पे फार्मर्स की स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। एक तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान पोर्टल को लेके, एक आई है भावांतर भुगतान योजना, इसी के साथ यही है ऋतु बंधु स्कीम और फिर आगे हम देखेंगे कालिया स्कीम जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। तो इनको एक एक करके हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। देखो, जिस तरीके से आपने NRC के बारे में काफ़ी बार नाम सुना होगा, डेली न्यूज़ में ऑलमोस्ट रहता ही है कि आसाम में NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसकी बात की जा रही है, काफ़ी सारे उसमें इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की नागरिकता का सवाल उठ रहा है। तो उसी तर्ज पे गवर्नमेंट है वो ऑल ओवर कंट्री के लिए, पूरे भारत देश के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट है वो लेके आने की कोशिश है वो कर रही है। क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट? जिस तरीके से आसाम के लिए वहाँ के सिटीजनशिप के लिए NRC है, उसी तरीके से हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट लिए लाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट का मोटो है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनका एक रिकॉर्ड हो, एक रजिस्टर की तरह। ये बेसिकली एक नया इनिशिएटिव है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे बात ऐसी आ रही है कि हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं ना उन्हीं की बात की जा रही है। अब एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है यहाँ पे, आता है कि भाई गवर्नमेंट है वो किस किस तरीके से करेगी, क्या क्या इसके क्राइटेरिया होंगे। देखो, बेसिकली ये जो प्रिपेयर है, ये रजिस्टर है, या आप बोल सकते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, वो लोकल यानी कि विलेज और सब टाउन एरिया, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, नेशनल लेवल पे, हर लेवल पे जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसी के तर्ज पे इसको इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव देखो ये है कि हमारे देश में जो भी डाटाबेस लोगों का, नागरिक रहते हैं, मतलब जितने भी नागरिक हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस क्रिएट किया जा सके, पता चले कि भाई कौन भारत का नागरिक है, कहाँ से रह रहा है, कितने टाइम से रह रहा है, सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाए। इसके लिए इस प्रोजेक्ट का, पोर्टल का निर्माण है वो किया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई इंडिया का रेजिडेंस कौन है, यानी कि इंडिया का यहाँ पे आवासी है कौन है वो आदमी, क्या उसकी डेफिनेशन है। देखो, अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें, इंडिया का रेजिडेंस है, रेजिडेंस मतलब कौन है यहाँ का आवासी, वो पर्सन जो कि कोई भी लोकल एरिया में 6 महीने से रह रहा है और आगे आने वाले 6 महीने या उस टाइम से आगे वो रहने वाला है, उसको बेसिकली भारत का आप ही बोल सकते हो कि वो वहाँ का लोकल निवासी है। अब कंपोनेंट क्या है इसके प्रोजेक्ट के? देखो, पहली बात तो है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक डिटेल दोनों ही रहेंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आधार में जो UID नंबर होता है वो भी इसी पे प्रिंट है वो रहेगा, मतलब एक तरीके का जिस तरीके से आधार कार्ड होता है ना, उसी तरीके से ये एक स्मार्ट कार्ड होगा, इसमें चिप लगी होगी और उस चिप में सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी रहेंगी, इसी के साथ ही आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स दोनों रहेंगी। इसी के साथ ही रेजिडेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिस तरीके से आधार नंबर होता है उसी तरीके से हर पर्सन को रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो बेसिकली उसी को प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है उसी को, मतलब 18 साल से कम के बच्चों का बेसिकली है उसमें, इसमें जो आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। इसी के साथ ही से मैंने आपको बताया कि इसमें चिप लगी रहेगी और उसमें डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं हर इंडिविजुअल पर्सन की, वो उसमें स्टोर की जाएंगी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी है कि भारत के नागरिक का जो भी इश्यूज है, बाहरी या बोल सकते हो रिफ्यूज वगैरह, उनके क्राइसिस को निपटा जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। देखो, क्वाड ग्रुपिंग है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि क्वाड ग्रुप में 4 कंट्री हैं। क्वाड का मतलब वो है 4, एक तो इसमें जापान, एक है इंडिया, एक है यूनाइटेड स्टेट और एक है ऑस्ट्रेलिया। देखो, बेसिकली जब ये क्वाड ग्रुप बना था, ये बना था 2007 में, जब जापान के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे शिंजो एबे, उनका यह एक मोटो या इनिशिएटिव था, उनकी पहल थी कि भाई ऐसा ऐसा ग्रुप है वो बनाया जाए, और इसके बाद में इसको ऑस्ट्रेलिया है उसने खैर बाद में ऐड इसमें किया गया था। अब देखो, इम्पोर्टेंट बात अभी न्यूज़ में क्यों है ये? देखो, न्यूज़ में भी इसलिए आया, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी भी USA में,
जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री है वो गए थे, काफी सारे उन्होंने अच्छे से स्पीच दिए। तो वहां पे जो क्वाड ग्रुपिंग के हेड हैं पर्सन है वो भी आए थे, तो उनके बीच में भी मीटिंग है वो हुई थी। तो मीटिंग का देखो कुछ आउटकम यहाँ पे खास नहीं है, बट क्वाड ग्रुप ऐसा कहा जा रहा है कि ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए वो लाया गया था, इसीलिए इस ग्रुप का निर्माण है वो किया गया था। तो क्वाड ग्रुप के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात इस बार की ये है कि इस बार 27 सितंबर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बेसिकली इंडिया के द्वारा होस्ट है वो किया गया था। और इसकी इस बार थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। देखो टूरिज्म है ना हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर हम बात करें, काफ़ी सारी कंट्रीज तो वर्ल्ड में ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। जैसे हम बात करें जो मेनली कैरिबियन कंट्रीज का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसी के साथ जो फिजी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, मालदीव आप देख सकते हो, इसी के साथ ही सेशल्स वगैरह हैं, ये कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही चलती है। और टूरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम का एक सोर्स है वो होता है। तो गवर्नमेंट टूरिज्म को हमेशा प्रमोट, आपको पता है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट है वो करती रहती है, टाइम टू टाइम स्कीम्स है वो भी लेके आती है। तो जो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो बेसिकली हर साल मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव देखो ये है कि टूरिज्म है, इसका रोल क्या है, अगर हम बात करें चाहे सोशल तरीके से रोल बात करो या फिर कल्चर या फिर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक। देखो टूरिज्म की एक अपनी हर जगह वैल्यूज होती हैं। टूरिज्म है अगर जैसे इंडिया में बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इंडिया के वो सोशल कल्चर के बारे में जानते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यहाँ की इकोनॉमिक वैल्यूज कैसी हैं, किस तरीके से आप इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे होता है। तो इसीलिए अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1970 में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने की बात हो की थी, और हर साल 27 सितंबर को यह मनाया वो जाता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ऑलरेडी होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है वो भी होती है, इसके साथ ही लीडरशिप हुआ है, और जो इकोनॉमिक सेक्टर की अगर बात करें, टूरिज्म सेक्टर में भी एडवांस फॉर्म आती हैं, और उसमें किस तरीके की रिफॉर्म्स लेके आने हैं, नई कंट्रीज में कैसे चैलेंजेस हैं, उन सबसे निपटने की बात भी की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के बारे में। देखो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम थी, ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इस बार बजट में लाई गई थी, और इसका मोटो ये था कि भाई हमारे देश में जो फार्मर्स हैं उनके गवर्नमेंट ने देखो टारगेट रखा था कि 2022 तक किसानों की इनकम है वो डबल करनी है। अब डबल करनी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको पैसे डबल देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है कि उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट है वो पहुँचाए जा सकें, इसी के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इस स्कीम का मतलब ये था कि किसानों को हर साल बेसिकली कितने पैसे दे देंगे, 6,000 रुपये है वो दिए जाएंगे, 2,000 की फॉर्म में, मतलब 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को पैसे हैं वो दिए जाएंगे, टोटल 6,000 रुपये। तो अभी न्यूज़ ये आई थी कि गवर्नमेंट ने जो पोर्टल है ना इसके लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल, जिसपे किसान रजिस्टर करेंगे उसके बाद में उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो पोर्टल अभी ओपन कर दिया है ताकि किसान वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकें। अब देखो इसका बेनिफिट हो जाएगा, किसान खुद इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, इसी के साथ ही जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं गाँव में जहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, उनके थ्रू भी किसान है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, तो देखो ये हमारे देश में जो वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, मतलब वो किसान जो कि बहुत कम एरिया में खेती करते हैं, यानी कि वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उन किसानों को बेसिकली डायरेक्टली बेनिफिट हो यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है उनको, मतलब ये पैसे हैं उनके अकाउंट में दिए जाएंगे 2,000 की फॉर्म में, 3 किस्तों में। इससे देखो गवर्नमेंट पे बर्डन भी बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट पे इस पे एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला वो है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का, तो वो खैर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है कि ये स्कीम किसके लिए है। ये ध्यान रखना वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है उन्हीं के लिए बेसिकली ये स्कीम है, और इसमें उनको 2,000 की फॉर्म में 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो लगभग 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको इस स्कीम का फायदा है वो होने वाला है, या फिर हम बात करें हमारे देश में वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास है, और ये इसका टारगेट है। अब देखो इसी तर्ज पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उन भी पहले कुछ स्कीम लेके आई थी, जैसे कि हम बात करें भावांतर भुगतान योजना। देखो भावांतर भुगतान योजना है ना ये मध्य प्रदेश की है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें यह किया गया था कि भाई जैसे गवर्नमेंट जो MSP रखती है ना
उस रेट पे अगर किसान जाके मतलब गवर्नमेंट मंडी पे नहीं बेच पाए तो वो प्राइवेट मंडी में भी बेचेगा ना, तो जो मार्केट का डिफरेंस आ गया, जैसे मान लो कि गेहूं का एग्जाम्पल ले लो कि गवर्नमेंट ने एमएसपी रखी है 2,000 रुपये, जबकि बाहर मार्केट के अंदर हम बात करें तो गेहूं बिक रहे हैं 1,100 रुपये, तो जो 900 रुपये का गैप है ना वो किसानों को डायरेक्टली गवर्नमेंट उनके अकाउंट में दे देगी। ये थी भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश की। इसी के तहत पे तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई थी रीतु बंधु स्कीम। रीतु बंधु स्कीम का टारगेट ये था कि किसानों को 1 हेक्टेयर जमीन पे हर साल 4,000 रुपये हैं वो दे जाएंगे। मतलब वो किसान जिसके पास जैसे 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसको एक साल के लिए 4,000 रुपये डायरेक्टली उसके अकाउंट में दे जाएंगे। किसी के पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो उसको 8,000 रुपये दे दिए जाएंगे ताकि वो बेसिक जो चीजें हैं मतलब बीज वगैरह है वो खरीदिए, खेती कर सके। इसी तरह पे एक स्कीम थी उड़ीसा की जिसका नाम था कालिया, कोसेक असिस्टेंट फॉर लाइवहुड एंड इनकम एग्रीमेंटेड ऑफ उड़ीसा स्कीम, इनकी कालिया स्कीम के नाम से बेसिकली फेमस है। इसमें यह था कि किसानों को बेसिकली 10,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में, क्या 2 किस्तों में, मतलब कि एक साल में 5,000 की एक किस्त और 5,000 की एक किस्त है, इस फॉर्म में उनको 2 बार है टोटल 10,000 रुपये पे किए जाएंगे एक साल का। ये थी 3 स्कीम जिनके बारे में भी आपको ध्यान है वो यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। देखो ये टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली इंडिया ने भी डेवलप की है। ये इसमें फ्यूल सेल सिस्टम है, यानी कि जो हम बात करें केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट है वो किया जा रहा है। और अभी साइंटिस्ट ने इस ये टेक्नोलॉजी के थ्रू 5 किलोवाट का फ्यूल सेल है वो डेवलप किया है, जो कि ग्रीन मेथड से इलेक्ट्रिसिटी है पावर है वो जनरेट करने वाला है। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है क्या, थोड़ा सा ये देख लेना। इसमें होता क्या है, मेथेनॉल और जो बाई मिथेन होता है ना इसको यूज करके और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब कि जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो निकलती है एनर्जी, हीट और वाटर। ये देखो मेथेनॉल और जो बायोमीथेन होती है इसको यूज करके हीट और वाटर है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, तो हीट से हम एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह एक मेथड है जिसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी है वो मतलब ये टेक्नोलॉजी है नई जात की गई है। अब इम्पोर्टेंट बात यह थी कि भाई ये टेक्नोलॉजी डेवलप किसने की है, तो देखो ये जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं CSIR के बारे में। देखो CSIR है इसको 1942 में बनाया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और बेसिकली इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने और गवर्नमेंट ने मिलकर इसको बनाया था, और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेल्फ रेगुलेटेड है। इसका काम क्या है, हमारे देश में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रिसर्च करने का काम है वो करती है बेसिकली, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ मिलकर इसको स्टार्ट है वो किया गया था, तो इसी के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को ईजाद है वो किया गया है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये एक प्रोजेक्ट था उसके अंडर डेवलप की गई है जिसका नाम था न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। तो अब हम ये देखते हैं कि न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है ये क्या है। देखो यह जो इनिशिएटिव है ना इसका टारगेट है कि हमारे देश है उसमें भी टेक्नोलॉजी की इजाद है वो की जाए, या फिर हमारे देश में भी टेक्नोलॉजी की तरफ अगर से ध्यान है वो फोकस किया जाए। अदरवाइज आपको पता है कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं मैक्सिमम, बट ये जो न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप है इसका टारगेट ये है कि भाई इंडिया है वो भी टेक्नोलॉजी के एरिया में लीडरशिप का रोल है वो करे, यानी कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत है वो बूस्ट किया जा सके, और इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट अच्छी स्कीम्स लेके आती है और जो प्राइवेट स्टेक होल्डर होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो अच्छी रिसर्च करें, नई कोलाबरेशन लेके जाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में एकेडमिक की बात करो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे और गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, सबको बेसिकली एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके तहत देखो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, जैसे कि हम बात करें एग्रीकल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ ही जनरल बायोटेक्नोलॉजी, इसी के साथ ही ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स, इसी के साथ ही मटेरियल्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके के छोटे छोटे इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है क्या। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है फॉरेस्ट प्लस 2.0। देखो फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो इनिशिएटिव है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट US की एक एजेंसी है, वो इनकी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसी के साथ ही इंडिया की इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको लॉन्च है वो किया गया था फॉरेस्ट प्लस 2.0। इसका टारगेट क्या है, ये बेसिकली 5 साल का एक प्रोग्राम है जिसको दिसंबर 2018 में लॉन्च करने की बात है वो की गई थी, और इसका फोकस ये है कि भाई
जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट है ना इसकी तरफ फोकस किया जाए। इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट है, यानी कि जो लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है उसको ध्यान दिया जाए, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए यह फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम है वो स्टार्ट है, वो किया गया है। देखो स्टार्टिंग में जो फोकस है, सबसे पहला वो फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग, कि भाई लोगों की कैपेसिटी है वो बिल्डअप की जाए, ताकि जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो बेसिकली एमिशन को रिड्यूस करने में, डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल करने में, और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है उसको काउंटर करने में किया जा सके। देखो एक प्रोग्राम था REDD+, जिसका नाम था रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इस REDD+ का मतलब क्या है? REDD+ का मतलब ये है कि एक तो हमें जो एमिशन हो रहा है ना उस एमिशन को कम करना है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके एमिशन को कम करना है। इसी के साथ ही डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि जो पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं उनको। और हम बात करें फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, जमीन की भी जो क्वालिटी खराब होती जा रही है, इसको काउंटर है वो करना है। इसी के साथ एक चीज और है इसमें, एफोरेस्टेशन। देखो एफोरेस्टेशन का मतलब यह है कि पेड़ पौधे लगाने हैं, डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाने हैं। तो ये है REDD+ का टारगेट। अब देखो इंडिया में जैसे कि 4 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, एक तो सिक्किम में, एक रामपुर, एक यहाँ पे शिवामोगा और एक यहाँ पे होशंगाबाद। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट है, बट ये ध्यान रखना है कि इंडिया और USA के थ्रू ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।